हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने कलायत के लोक निर्माण विश्राम गृह में सुनी जनता की समस्याएं। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए कलायत से रोहतास शर्मा की रिपोर्ट। पानी की है, कोई किसी भी प्रकार की हर एक तरीके की है, तो सारी समस्याएं यहाँ पर सुनी गई और अपने अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो उनको फेस टू फेस समाधान कराने का काम किया। अगर कोई बात की है तो उसको भी कराने का काम। मैडम, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, बार बार में ये करे जो हमारे अधिकारी हैं उन्हीं के उसमें से होके जानी है, तो जो भी इनकी है जनता में परेशान ना हो, उनको बढ़िया तरीके से डील किया जाए और समय पर उनका जो भी निदान है वो किया जाए। मैडम, लोगों ने आप ये भी कर लेंगे, मैंने सीएम साहब से भी बात की थी और अभी तो शुरुआत है, तो सारा आराम से हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो पूरा जो है कम है सारा हो जाएगा उसमें, और है नियुक्तियाँ तो हैं कर लेंगे। मैडम, छात्र सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, बिल्कुल बस की सुविधा होगी इसमें, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और जो हमारी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी बस की भी सुविधा होगी, और जो प्रशासन की तरफ से है पुलिस की, उसकी भी जो भी उनको मतलब क्या कहें, जो भी उनको सुविधा हो देने का काम करेंगे, जो सुरक्षा है वो तो देने का काम करेंगे। और अभी और अभी यही करेंगे। मैडम, चारों आरोपी बुलाएगा, आरोप उसको पकड़ने के लिए को भी पूछने के लिए बुलाएगा, अगर वो भागता है तो प्रशासन अपना काम करेंगे। मैडम, करना देखिए, विकास तो सबसे पहला, सबका साथ सबका विकास, जैसे मुख्यमंत्री जी का नारा है, तो विकास तो सबसे पहला जो प्राथमिकता है यही है, हर एक गाँव का, कला तरीके के 66 गाँव हैं, तो उसमें जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ उसको पूरा करेंगे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का काम करेंगे। मैंने कुछ ऐसी करने का काम करेंगे, अगर उसमें कमियाँ रहेगी तो उसको पूरा करने का काम करेंगे, अधिकारियों को उसके भी आते इसलिए देखिए, इसमें तो प्रशासन का काम, प्रशासन ही अपना काम करेगा, अगर उसमें जो दोषी होगा उसको कार्रवाई करेंगे। ठीक है।